नमस्ते, वेलकम टू डेज वीडियो। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज की वीडियो का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं अटेंड करने जा रहा हूँ अपना फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी शो, जो कि रहने वाला है लक्ष्य चौधरी का। एक्चुअली जो ये शो है वो एक ट्रायल शो है। ट्रायल शो एक बार मैं समझा देता हूँ कैसा होता है। ये इस तरीके से मान लो, अगर जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में होती हैं तो वो पहले क्रिटिक्स को दिखाई जाती है, मतलब प्रीमियर जो करी जाती है, ताकि उसमें से जो पार्ट अच्छा है या कुछ उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है तो तभी वो देख के सब कुछ चेंजेस कर दिए जाए। तो इसी की तरीके से ये स्टैंड अप कॉमेडी का ट्रायल शो है। तो अपने आप को मैं ऐसे क्रिटिक बुला के स्पेशल फील करवा रहा हूँ। सो अब सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमें जाना है GTB नगर, वहाँ पे ही है ये शो। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। बाकी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आगे आपको चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं कैसा शो था, क्या क्या चीज़ है उसके बारे में आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। और मेन शो जो है वो 11 तारीख को रहने वाला है। वैसे उसकी टिकट तो सोल्ड आउट हो गई है, और जो आगे पूरा हुआ मतलब इंडिया टूर रहने वाला है लक्ष्य का, तो वो चीज़ें आपको आगे पता लगेगी धीरे धीरे। तो अभी चलते हैं। चलो भाई, फाइनली लोकेशन पे तो आ गए। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें और कैसे हैं सारी चीज़ें। आपको फिर दिखाते हैं अंदर कैसे परफॉर्मेंस आएगी। परफॉर्मेंस तो नहीं, पर आगे की चीज़ें बताएंगे आपको कि कैसा रहा शो। तो मिलते हैं आपसे आगे। सो फाइनली शो खत्म हो गया है और अरविंद का ऑफ हो गया था, तो मैंने उसे बुला लिया क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो शो के बारे में तो अच्छे से बताऊंगा, आराम से अच्छे से आपको प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि शो कैसा था। और अभी कुछ खाने पीने आए हम, डोमिनोज आए हैं एक्चुअली। तो चलते हैं पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाते हैं, उसके बाद आराम से पेट भर के उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसा शो था। तो हाँ भाई, फाइनली मैं घर आ गया हूँ और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ कि शो कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें रहेंगी शो में। होप सो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस ना हो। ट्रायल शो होता ही इसलिए क्या आपको इसमें जो भी जोक्स हैं या जो भी जितनी भी आपकी लाइंस हैं स्क्रिप्ट में, आपको अगर कुछ भी चेंजेस करने हो कि मतलब किसी पर लाफ ना आ रहा हो, तो इसलिए ट्रायल शो किया जाता है कि आगे इम्प्रोवाइज़ किया जा सके ट्रायल शो के अकॉर्डिंग। और ट्रायल शो लंबा होता है मेन शो से, क्योंकि इसके बाद ही सारा जो भी है जोक वोक सारे छटते हैं। तो एक एक करके बताता हूँ क्या क्या चीज़ें रही। तो सबसे पहले जो हमारा सेट ओपन होता है, मतलब स्टार्टिंग होती है, वो होती है उज्जवल से। उज्जवल, माधव, शहबाद और लक्ष्य, ये चार बंदों की परफॉर्मेंस रहने वाली है। मोस्ट प्रॉबली शायद से मेन शो में भी ऐसे ही रहे, ट्रायल में तो ये चार बंदे थे। काफ़ी ही ज़्यादा सही थे, तीनों ही काफ़ी सही थे। उज्जवल, माधव और शहबाद का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। न्यू कमर्स हैं स्टैंड अप के लिए, शायद से काफ़ी टाइम से कर रहे हो, पर मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा था। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी अच्छे जोक्स थे उनके, काफ़ी फ़नी बंदे थे तीनों ही, तो काफ़ी मज़ा आया उनके में भी। और जब आते हैं मेन हमारा लक्ष्य के शो पे, तो भाई बहुत ही सही शो था। तो जो जो जाने वाले हैं 11 तारीख को, तो भाई डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और ऐसा मेरे को फील नहीं हुआ कि किसी उसके जोक पे लाफ ना आया हो, और मतलब सारी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा ही खुश थी। तो लगता नहीं है स्क्रिप्ट में ज़्यादा कुछ चेंजेस रहने वाले हैं, तो काफ़ी सही रहेगा ये शो। मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटा 40 मिनट का लक्ष्य का जो शो रहेगा, मतलब जो लक्ष्य की सिर्फ लक्ष्य की परफॉर्मेंस रहने वाली है, 1.5 घंटे से तो प्लस ही मान के चलो कि इतना परफॉर्मेंस है। भाई बंदा थक गया था, बार बार भाई पानी पीना पड़ रहा था, गला सूख जाता है यार, क्योंकि स्टैंड अप में मतलब देखा है उसका भी फर्स्ट था ये स्टैंड अप एज मतलब ऑडियंस में, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़े आए। तो भाई ऑल द बेस्ट लक्ष्य को भी, और बाकी जो जो जा रहे हैं भाई बहुत मज़े आने वाले हैं। बाकी इंडिया टूर का भी बताया है उसने कैसे कैसे, दिल्ली के बाद नेक्स्ट देहरादून का शो रहने वाला है। तो जो जो बंदे हैं तो
पहले ही टिकट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ तो मिनटों में ही सारी टिकटें सोल्ड आउट हो रही थी बुक माई शो में। जब फर्स्ट जो मेन शो का था, बड़ी मुश्किल से ट्रायल शो का मेरे को मिल पाया लक बाय चांस। तो यार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरा, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शो लाइव देखा है। यूट्यूब पे तो पहले बहुत देखे थे, पर ऐसे एक्सपीरियंस करना बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही मज़े आए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शो रहा। और होप सो आपको भी मज़े आएंगे आगे। अलग अलग सिटीज़ में ऐसे परफॉर्मेंस होने वाली है। फर्स्ट तो दिल्ली में है जो 11 तारीख को है, उसमें तो भाई समा बनने वाला है, बढ़िया ही जी सा कर जाएगा सबका। और आगे जितने भी हैं अलग अलग इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में जैसे भी शो रहने वाले हैं, लक्ष्य वो आगे धीरे धीरे करके अपने इंस्टाग्राम पे या वैसे रिवील कर देगा कि शो अगले शो कहाँ पे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई जा सकते हो तो ज़रूर जाना, काफ़ी अच्छा शो है, काफ़ी मज़े आए। बाकी अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, होप सो आपको भी बढ़िया लगा हो आज का। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए।